कुरुक्षेत्र में गांधीगिरी मनाकर जनता को ट्रैफिक रूल्स के बारे में एसपी आस्था मोदी ने फूल देकर भी जागृत किया और नियमों के बारे में बताया, जैसे कि हेलमेट, लाइसेंस, प्रदूषण, सभी के चालान रेट बढ़ गए हैं। और आस्था मोदी ने यह भी कहा कि सभी को आस्था मोदी ने अपील की है कि अपने व्हीकल के पूरे कागजात व हेलमेट लेकर चलें और हेलमेट के साथ अपनी सुरक्षा भी है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और कानून तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सभी से अपील है कि हेलमेट लेकर चलें और सीट बेल्ट लगाकर चलें। कुछ नए ऑफेंसेस जैसे कि पिलियन राइडर के लिए हेलमेट कंपलसरी, साथ में गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सारे लोग जो हैं उनके लिए सीट बेल्ट कंपलसरी, इस प्रकार से कुछ इनमें चेंजेस आए हैं। और साथ ही जो फाइन, जो चलान के जो अमाउंट होता था उसमें काफ़ी वृद्धि की गई है। तो जो पहले जो 100 रुपये का चलान होता था वो लगभग 1000 रुपये का हो गया है कुछ केसों में। तो ये 1 सितंबर से ये लागू किया गया था। तो हम लोग लगातार एक अवेयरनेस कैंपेन पुलिस ने चलाई हुई थी, हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक स्पेसेस पे जाके अवेयरनेस कैंपेन कर रहे थे। बट हमारे जो पुलिस हेडक्वार्टर है उनका विचार रहा कि इसको और हम बड़े लेवल पे करें ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि ये फाइन का अमाउंट जो बड़ा है इसके बारे में सबको अवेयरनेस हो जाए और सभी लोग ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट उनको फॉलो करें। ये फाइन को बढ़ाने का जो औचित्य है वो यही है ताकि लोग इन चीज़ों को सीरियसली लें। पर मैं यही आग्रह करूँगी कि फाइन के डर से नहीं बल्कि ताकि हमारी जो सड़कें हैं वो सुरक्षित बने आपके लिए भी और जो बाकी लोग सड़क पे जो मूव कर रहे हैं उनके लिए भी। इसीलिए आप लोग सब जो रोड सेफ्टी के जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उन सबको फॉलो करें और इस हैवी फाइन से भी बचें और साथ ही साथ अपने जीवन को भी सुरक्षित रखें। आज गांधीगिरी से समझाया जा रहा है तो उसके बाद क्या होगा 3 दिन बाद? जी, गांधीगिरी से आज समझाया जा रहा है ताकि एक अवेयरनेस बने, एक लोगों पे एक इम्पैक्ट बने, लोगों को जिसको हम भी आपने अभी देखा होगा कि जितने भी लोगों को हमने रोका वो सभी लोग शर्मिंदा हुए इस चीज़ से कि वो लोग ट्रैफिक नियमों का पालना नहीं कर रहे थे। तो ये गांधीगिरी के 3 दिन के बाद हमारी जो नॉर्मल हमारा जो प्रोसीजर है, जो चलानिंग हम लोग करते हैं वो हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ये सारे जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं जो रोड पे रहते हैं, चाहे वो ट्रक है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे 3 व्हीलर है, सबकी चेकिंग की जाती है ऑलरेडी रेगुलरली भी और आगे भी ये किया जाएगा। ये जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं ये भी हम सारे टाइप के वाहनों के लिए चलाएंगे, सिटी रोड पे भी चलाएंगे और हाईवे पे भी चलाएंगे। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यश टीवी।